हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरे उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं सिमसिम ऐप पे भी हूँ, तो आप ये दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे वीडियो को सेव कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो। मैं सिमसिम ऐप पे छवि स्टोर अगर आप सर्च करते हो तो मेरे वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आज के फेस पैक की। आज का फेस पैक भाई बहुत ही यमी है। यस, आज का फेस पैक बहुत यमी है। यमी होने के साथ साथ इसे आपको अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ये फेस पैक बनाते हो तो खुद पे ही नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो बच्चों को से क्या आप दूर रखोगे। तो फिर ये बहुत बेहतरीन है और इस फेस पैक की खासियत ये है और ये बेस्ट फेयरनेस पैक है और ये बेस्ट जो है ग्लोइंग फेस पैक है, यानी कि ऑल इन वन है। बेस्ट एंटी एजिंग बोल दो, बेस्ट ग्लोइंग फेस पैक बोल दो और बेस्ट जो है आपकी फेयरनेस पैक बोल दो, जो भी आप बोल दो, ये बहुत बेहतरीन फेस पैक है। यानी कि अगर आप पार्लर में जाकर के 2,000 या 3,000 या 4,000 रुपये खर्च करते हो अपने फेशियल के ऊपर में, तो प्लीज़ 2-3 महीने में अगर आप जाते हो पार्लर में और अपने फेस के ऊपर मसाज 30 ईयर्स के बाद ज़रूर कराना चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा हो गई है तो हर 2 या 3 महीने में जाकर के एक बार जो है अपने फेस का मसाज जरूर कराना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि आपके जो आपके फेस पे मसाज होता है, मसाज से आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और जो आपकी स्किन पे जो एजिंग आने शुरू हो गया, एजिंग के निशान आने शुरू होते हैं वो कम होते हैं। तो वो 2-3 महीने पर जरूर कराना चाहिए, मैं भी कराती हूँ और इसलिए मैं बोलूँगी कि आपको ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन पर मंथ फेशियल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप किसी पार्टी में, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपके घर में कल 2 या 4 दिन के बाद किसी की शादी है तो ये फेस पैक, बहुत शादी के पहले बहुत सारा ओकेजन आता है ना, मेहंदी संगीत ये वो, बस एक बार ये फेस पैक लगा लो। और अगर उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको ये फेस पैक लगाने के बाद भी आपको फेशियल कराने की आवश्यकता है तो आप आराम से जाके फेशियल कराओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये फेस पैक लगाने के बाद आपको फेशियल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ग्लो आपके फेस पर आने वाला है। तो ये बहुत बेहतरीन है। तो आगे चल के देखिए कि इसको लगाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको वीक में कितने बार लगा सकते हो। इसको वीक में आप 3 डेज लगा सकते हो, उससे ज़्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 दिन में ही आपकी जो स्किन है ना, वो 3 दिन में ही आपको लगेगा कि आपकी स्किन बहुत साफ हो गई, बहुत क्लियर हो गई। आगे देखते हैं इसको बनाते कैसे, इसको लगाते कैसे। वीक में 3 डेज लगाते हैं, इसको बना करके आप स्टोर कर सकते हो फ्रीज में एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक, कोई ख़राब नहीं होने वाला। रूम टेम्परेचर में अगर आप डालते हो तो भी 2 दिन तक लास्ट करने वाला है, फ्रिज में ज़्यादा दिन ही लास्ट करेगा। लेकिन क्यों रखना, बनाना है, लगाना है और फिर छोड़ देना है। चलिए फिर आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय। तो जो आज के जो पैक बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट जो आपको सामान लगने वाला है, या तो आप कुकटॉप के ऊपर एक पतीला ले करके और उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी करें, और या फिर आप ऐसे ही कैटल में भी गर्म पानी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक कैटल में गर्म पानी की हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, एक बाउल। अब इसके अंदर मैं जो डाल रही हूँ, मेरा ये है डेरी मिल्क सिल्क, डेरी मिल्क है, सिल्क नहीं है, सॉरी, ये डेरी मिल्क है। ये 10 रुपये का आता है, ठीक है, जो मैं ली हूँ। इसको आपको तब तक मेल्ट करना है जब तक आपको इसको गर्म पानी के अंदर रखना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगा। तब ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है और इसको मेल्ट होने में तकरीबन 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। जब ये मेल्ट हो जाता है उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। अच्छे से एकदम ये देखिए, ठीक है। अब जो इसमें मैं मिलाने वाली हूँ, ये बेस्ट एंटी एजिंग बनेगा ये फेस पैक और बेस्ट स्किन वाइटनिंग, बेस्ट स्किन टाइटनिंग। मीन्स ये फेस पैक अगर आप लगाते हो किसी पार्टी,
पार्टी वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो, जा रहे हो अगर पार्टी वगैरह में, अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए और आपके आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पार्लर जाओ, पार्लर जा करके वो 2000 रुपये खर्च करना, तो अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो वो 20 रुपये का जो है डेरी मिल्क आप ले लो, और उसके बाद जो है ये फेस पैक आप बनाओ, और फिर उसके बाद आप पार्टी में जाओ। पूरे पार्टी की आप जान रहने वाले हो, उसके आपके स्किन पे गजब सा ग्लो आने वाला है। तो ये फेस पैक आपके बराबर 2000 रुपये बचाने वाला है, क्योंकि अगर आप चॉकलेट फेशियल कराते हो अच्छे पार्लर में तो 1800 से 2000 रुपये शायद, हाँ मैं तो कभी कराई नहीं हूँ पार्लर में जाकर के चॉकलेट फेशियल, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन 1000 से 2000 के बीच में रहता ही होगा चॉकलेट फेशियल। तो ये आपके पैसा जो है वो बचाने वाला है। उसके बाद ये बेस्ट एंटी एजिंग है, तो ये बेस्ट है। अभी आपको क्या मिलाना है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ये थिक है, लेकिन जब ही ये फेस पैक बनाए ना, बच्चों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है कि ये पैक मैं लगाऊं कि या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको मिला लेना है रोज़ वाटर। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिलाना है, रोज़ वाटर। तो ये पैक मैं भी लगाने वाली हूँ और मेरी बेटी भी लगाने वाली है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो ये थोड़ा खा लेती हूँ। उसके बाद बनाऊंगी, वो खुद ही नहीं रहा जाता। इसमें मिलाऊंगी मैं रोज़ वाटर, अच्छे से इसको मैं करूंगी मिक्स। थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है चंदन पाउडर, ठीक है, चंदन पाउडर। अब इसके अंदर मैं चंदन पाउडर जो भी मैं यूज़ करूँगी, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि चंदन पाउडर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, आप चंदन पाउडर इसमें इतना मिलाएं जो कि अच्छे से पेस्ट बन जाए, मीन्स आप अपने फेस पे अप्लाई कर सके, उतना आपको चंदन पाउडर मिलाना है। तो मैं हाफ स्पून जो है चंदन पाउडर इसके अंदर मिला रही हूँ, एकदम अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि थोड़ा सा भी गांठ जैसा ना रहे इसके अंदर। तो ये बन के रेडी हो गया है, अब इसे अपने फेस पे लगाने का टाइम आ गया। ये देखिए, जैसे जितना आप इसको मिलाते हो ना उतना ये ठीक होता जाएगा, जितना आप मिलाओगे इसे। तो आज मैं आप लोगों के 2000 रुपये जो है वेस्ट होने से बचा चुकी हूँ। तो चलिए, तो फेस पैक बन के रेडी हो चुका है, लेकिन उसको मैं आपको बताना ये भूल गई, ये एंटी एजिंग तो बोल चुकी हूँ मैं, लेकिन इसके साथ गुण तो दो और है, आपके फेयरनेस को बढ़ाएगा और आपके स्किन पे ग्लो लाएगा। तो आपकी उम्र 15 साल से अगर ऊपर की हो गई है तो आप आराम से इस फेस पैक को लगा सकते हो। उसके पहले इस फेस पैक को लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लगाते हो तो कोई ख़राबी भी नहीं करने वाला, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मेल फीमेल सब लगा सकते हैं। 2 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, और वो भी ऐसे इंग्रेडिएंट है कि कहीं से कोई हार्म नहीं करने वाला। तो चलिए फेस पैक लगाने की तैयारी करते हैं। तो उसके पहले कर लेती हूँ अपने स्किन को थोड़ा सा मैं रेडी। तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ रोज़ वाटर अपने स्किन के ऊपर स्प्रे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से इसे परचेस कर सकते हो, इसके ऊपर अभी बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं। तो आज जो मैं लिपस्टिक लगाई हूँ वो फेसेस कैनेडा का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो है ये भी कलर आपके आपकी स्किन टोन जो भी हो उस पर जो है आपके जाने वाला है। तो ये देखिए, देख रहे हो ना, यही सेड है। तो लिंक आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसे लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर और इसका रिजल्ट देखते हैं। इच्छा हो रही है इसे एकदम मस्त,
बहुत है, निश्चिंत रहो। नेक पे भी लगाए आप इसे। यही एक ऐसा फेस पैक है जो अगर आपके माउथ के अंदर थोड़ा चला भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, तो आप लीक कर सकते हो। इसे सूखने में तकरीबन तो 20 मिनट्स लगने वाले हैं। जब ये सूख जाता है उसके बाद मैं आपको वॉश करके इसका रिजल्ट दिखलाती हूँ। एकदम से ड्राई नहीं होगा ये, आपको इसको पोंछना पड़ेगा हल्का। 20 मिनट्स जब हो जाता है उसके बाद आपको इसको वॉश करना होगा। मैं आपके सामने थोड़ा सा इसे क्लीन करके आपको दिखलाती हूँ। स्किन देखो आप, शाइन कर रहा है, एकदम शाइन। अब इसे मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर आप सबके सामने आती हूँ। देखो अभी जस्ट वॉश करके आई हूँ, फेस पे पानी लगा ही है। स्किन आप देखो, मतलब बोलते ना ग्लो, मैं और मेरी बेटी दोनों लगाए हैं। मीन्स सर्दियों के मौसम के लिए, यानी कि ये विंटर सीजन के लिए ये फेस पैक तो और भी बेहतरीन है, क्योंकि आपकी स्किन है ना, जब आप इस फेस पैक को लगाते हो, जब आप वॉश करते हो, ये देखो फेस पे पानी है, जब आप वॉश करते हो ना, तो आपको आपकी स्किन है ना मॉइस्चराइज्ड लगती है, वो खिंचा खिंचा, वो ड्राइनेस जो है ना आपको इस फेस पैक पे नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 3 डेज नहीं 4 डेज आप इस फेस पैक को लगाओ, वो भी कर सकते हो। ये देखो पानी लगा हुआ, लविंग इट इस फेस पैक को। इस फेस पैक को मैं 10 out of 10 देती हूँ। मैं इस फेस पैक को, ये बहुत बेहतरीन है, मीन्स ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बेस्ट है, लेकिन स्पेशली ये जो है ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो मार्वेलस है। ऑयल स्किन, ऑयली स्किन वाले भी इसको आराम से लगा। इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ। ये मेरी आदत है, आप चाहे तो आप नहीं कर सकते हो। फेस पैक को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट है। देखो ग्लो देखो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो और भी अच्छा पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिनकी अभी शादी होने वाली है, जिनकी अपने फैमिली में शादी होने वाली है। अभी तो शादियों का सीजन शुरू हुआ है, तो फिर जितना हो सके अगर 2000 रुपये बचाना है तो ये फेस पैक जरूर लगाना। और अब भी तो ड्राई सीजन चल रहा है, तो उसमें तो ये फेस पैक दौड़ने वाला है, दौड़ने वाला। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।